हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू SSB क्रैक एग्जाम। हम शिफाली और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवल एकेडमी के कैडेट्स और एकेडमी में उनके डेली रूटीन के बारे में, जिसे जानकर आप भी इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जोश से भर जाएंगे। और आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको SSB क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी या INET रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे NDA और INET ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सा कंटेंट है जो आपको NDA और INET रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा और आप हमारे मोबाइल ऐप SSB क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन नेवल अकेडमी SMLA को मई 1969 में स्टेब्लिश किया गया था और ये इंडियन नेवी ऑफिसर्स की इनिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तौर पर जाना जाता है। INA का मेन एम यंग मैन और वुमेन को इंडियन नेवी में प्रोफेशनल ऑफिसर्स के रोल में एकेडमिक फील्ड में एक एलीट एजुकेशन के साथ ही साथ रिक्वायर्ड प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना भी है। नेवल अकेडमी SMLA को स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया था ताकि वो एक कैडेट को मॉरली अपराइट, फिजिकली रॉबस्ट, मेंटली अलर्ट और टेक्नोलॉजिकली अवेयर प्रोफेशनल में मोल्ड कर सके। इंडियन नेवल अकेडमी का मोटो है विद्या न मृत्युम शांति। तो आइए अब हम बात करते हैं INA में ट्रेनिंग लेने वाले नेवल कैडेट्स के रूटीन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे एक नॉर्मल से सिविलियन से देश के बेहतरीन नेवल ऑफिसर्स बनते हैं। चूंकि रूटीन और ट्रेनिंग की किसी भी मिलिट्री ट्रेनिंग अकेडमी में बहुत इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए आइए देखते हैं कि नेवल अकेडमी के एक कैडेट का रूटीन कैसा होता है। नेवल कैडेट सुबह 3 से 4 बजे के बीच उठ जाते हैं और उनके उठने का टाइम फिक्स्ड होता है। फिर चाहे मौसम सनी, विंडी, रेनी या फिर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर का ही क्यों ना हो, क्योंकि नेवी में आप अपना रूटीन सिर्फ इस बेसिस पे चेंज नहीं कर सकते कि मौसम खराब है। INA के इंस्ट्रक्टर्स के अकॉर्डिंग एक कैडेट को अपना रूटीन मेंटेन करके रखना है, फिर चाहे सामने हरिकेन ही क्यों ना हो, क्योंकि जब वो शिप्स पर जाएंगे तो उन्हें रोज ही ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। कैडेट्स की मॉर्निंग मस्टर फॉल इन के बाद उन्हें ड्रिल, स्विमिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, स्मॉल आर्म्स ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग और वाटरमैनशिप ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। ड्रिल उस्ताद कैडेट्स को अकेले और ग्रुप में परेड की बारीकियां सिखाते हैं और ड्रिल करना अपने आप में ही एक एग्जॉस्टिंग एक्सरसाइज होती है, जिसमें बड़े ही कैलकुलेटेड तरीके से क्रिस्पनेस, स्पीड, टाइमिंग और इंटेंसिटी का बैलेंस बनाना होता है। उसके बाद कैडेट्स अपनी यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद अपने केबिन को एक प्रेजेंटेबल स्टेट में ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद कैडेट्स को मेस में ब्रेकफास्ट के बाद अपनी अकेडमिक और सर्विस सब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। एक एवरेज एकेडमिक टाइम के दौरान कैडेट्स को स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग एड्स की हेल्प से बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स से अपनी सब्जेक्ट्स की रिग्रेस पढ़ाई करनी होती है। लंच के बाद वैसे तो हम थोड़ी देर नींद ले लेना चाहते हैं, लेकिन नेवल कैडेट्स इस लंच के बाद अपने ट्रेनिंग स्केड्यूल की पेंडिंग असाइनमेंट्स को फिनिश करते हैं या फिर अगर उन्हें किसी सीनियर ने पनिशमेंट दी है तो उन्हें उसे अटेंड करने के लिए सीनियर्स या इंस्ट्रक्टर के पास जाना होता है। इसके ठीक बाद उनकी ट्रेनिंग इवनिंग स्पोर्ट्स के रूप में रिज्यूम हो जाती है, जिसमें वो कई तरह के गेम्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वॉश, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या फिर क्रॉस कंट्री रन की प्रैक्टिस करते हैं। कैडेट्स के पास वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि सेलिंग, विंड सर्फिंग, रोइंग, कयाकिंग और इतनी सारे रिग्रेस स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस के बाद कैडेट्स को रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है और ये उनके दिन के सबसे फन एक्टिविटी वाला पार्ट होता है, जिसमें वो एक दूसरे के साथ बैंटरिंग करके लेग पुलिंग करते हैं। रिफ्रेशमेंट लेने के बाद अब कैडेट्स का सेल्फ स्टडी का टाइम हो जाता है और उन्हें अपने स्ट्रिक्ट स्टडी पीरियड में नोट्स या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टडी मीडियम के थ्रू पढ़ाई करनी होती है जो कि अकेडमी की लैन पर अवेलेबल रहता है। इस दौरान उन्हें ओपन डोर सेल्फ स्टडी में केबिन इंस्पेक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है, जो कि सीनियर अपॉइंटमेंट्स या फिर कोई ऑफिसर भी ले सकता है। डिनर करने के बाद सभी कैडेट्स को फिर से नाइट मास्टर का ऑर्डर कर दिया जाता है, जहां फॉलन होने के बाद उनकी काउंटिंग होती है और ठीक उसके बाद उनका इंस्पेक्शन फिर से होता है और ये अनऑफिशियली सीनियर का टाइम होता है, जिसमें वो क्वाड्रन बिल्डिंग में ही जूनियर्स की फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं। ये फिजिकल ट्रेनिंग कैडेट्स की किसी गलती का हिस्सा भी हो सकता है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सारी ट्रेनिंग और रूटीन फिजिकल से ज्यादा मेंटल होता है।
जिसमें किसी भी कैडेट्स का इंडिविजुअलिटी का शेल तोड़ा जाता है और जिसमें उसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्क्वाड्रन मैटर करता है। ये सारी एक्टिविटीज़ को बाहरी दुनिया में करने में एक वीक का टाइम लग जाता है, लेकिन नेवल अकेडमी के कैडेट्स को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो एक ही दिन में इन्हें एग्जीक्यूट कर सके। लाइट्स आउट होने से पहले कैडेट्स अपने केबिन को कल के आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करना होता है, क्योंकि आईने में हर दिन एक जैसा नहीं होता। सो आई होप आईने इज़मला के नेवल एकेडमी के डेली रूटीन के ऊपर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। अगर आप SSP इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी SSP इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स आपको SSP इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे और इन बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। For latest update, do not forget to subscribe to our SSB Crack Exams channel, and I'll see you in the next video. Stay safe, stay healthy. Jai Hind.